हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट बुक सोलंगी और आज मैं हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए ब्रांड या लोगो कैसे बना सकते हैं, और वो लोगो आपका एनिमेटेड हो सकता है। और उसके लिए जो मैं अभी सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा उसका नाम है कोरल मोशन स्टूडियो। ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर ये आपको डाउनलोड करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कैसे लोगो बना सकते हैं। तो लोगो बनाने के लिए मैंने पहले से जो टेक्स्ट या जो भी चीज़ें इसमें डालनी हैं वो मैंने रखी हुई हैं एक फोल्डर में। ये आप देख सकते हैं, ये तीन चीज़ें हैं। मैं आप उनको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। मुझे एक ये लोगो बनाना है और ये लोगो अलग बनाना है। ये तीन पिक्चर्स हैं, चलिए इनको यूज़ करेंगे। तो आप भी ऐसे अपनी पिक्चर्स फोटोशॉप में या किसी जो भी सॉफ्टवेयर आपको आता है उसमें बनाएं, और उसके बाद चलते हैं 3D कोरल मोशन स्टूडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसका इंटरफेस आपको बता दूं। तो इसमें ये पहले मेन्यू बार है, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार है, ये प्रॉपर्टी बार है, और यहाँ पे ये टूल्स हैं। उसके बाद ये इसकी टाइम लाइन है। फॉर सपोज में कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। फॉर सपोज मैंने कौन इंसर्ट किया, तो सबसे पहले ये तीन टूल्स आते हैं। ये पहला टूल है मूव करने के लिए। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आप इसको आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी आपको साइज़ बढ़ानी है तो आप ये बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ऐसे स्मूथली नीचे इसको ड्रैग करेंगे या ऊपर ड्रैग करेंगे तो इसकी साइज़ छोटी या बड़ी हो सकेगी। उसके अलावा अगर आपको इसको रोटेट करना है तो ये तीसरा बटन है यहाँ पे रोटेट का, इस बटन को प्रेस करेंगे और ऐसे इसको रोटेट कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था हम इसमें बनाएंगे क्यूब, जो लोगो होता है, जैसे आप KTN का देखते हैं, सिम TV का देखते हैं, या स्टार प्लस, या कोई भी इंटरनेशनल चैनल जो भी आप केबल पर देखते हैं, उनका एक लोगो होता है, उनकी एक पहचान होती है जो उसके ऊपर उसके ब्रांड को शो कर रहा होता है हर वीडियो के ऊपर। तो वो बनाने के लिए आप सिंपली ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ये एनिमेशन या एनिमेटेड जो चीज़ें होती हैं वो बनाने के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी टाइमलाइन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले से करा देता हूँ इसका। फॉर सपोज ये पहली पोजीशन इसकी ये है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको रोटेट का बटन उठा के इसको ऐसे मूव किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर रोटेट का बटन उठाया और इसको ऐसे रोटेट किया, और फिर यहाँ पे क्लिक किया और फिर वापस इसको हमने दोबारा अपनी जगह पे रोटेट किया। तो अभी होगा क्या, आप यहाँ पे इसको प्ले करके देख सकते हैं। मैं इसको पीछे करता हूँ स्टार्टिंग से और ये लूप चलाता हूँ ताकि ये चलता रहे। उसके बाद प्ले करेंगे, ये देखिए जो जो भी एनिमेशन हमने यहाँ पे क्लिक किया था वो आपकी एनिमेशन बन गई है। तो इनको हम फ्रेम्स कहते हैं। उसके अलावा अगर इसकी आपको जगह चेंज करनी है, जगह चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, कहीं भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्केल है, स्केल का मतलब है साइज़ छोटी बड़ी करना। उसके बाद कलर है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और सब इसका रेड कलर कर दिया। टेक्स्ट जो है, आप इसमें कोई इमेज डालना चाहते हैं तो आप यहां से इमेज को भी उठा के इसमें इमेज डाल सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, आप कितना इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये एनिमेशन बनाने में या इफ़ेक्ट्स लगाने में काम आती हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम चलते हैं अपना जो
आपने लोगो बनाना था वो बनाते हैं। तो लोगो जो होता है तकरीबन वो होता है क्यूब की फॉर्मेट में। यहाँ से हमने ये क्यूब उठाया और इसकी पहले तो हम साइज़ बड़ी करेंगे। साइज़ इसकी हम रखेंगे 228। इनके तीन पोजिशन हैं एक्स वाई जेड। ये इसका एक्स है सामने वाला और ये जेड है बीच वाला और ये पीछे वाला इसका वाई है। इसके सारे पोजिशन जो है 228 कर देंगे। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ है, बाकी आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं। जैसे हम बार क्लिक करेंगे ये 200 साइज का हो जाएगा। उसके अलावा ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स है सारी। ये इसके ऑप्शंस हैं साइड्स के। तो पहले आपको करना क्या है, यहाँ से ये सारे टिक मार्क हटा देने हैं। ये देखिए सारे टिक मार्क मैंने हटा दिए। बाकी ये जो पहला टिक मार्क है बॉक्स का सामने वाला, ये देखें इसमें सेलेक्ट है, मीन्स यहाँ पे जो भी चीज़ लगाएंगे यहाँ पे शो होगी। तो इसको क्लिक किया। उसके अलावा अभी हम इसको हैंड टूल को क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट पैनल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले कलर शो कर रहा है। तो टेक्सचर शो करेंगे हम। टेक्सचर इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे जो पिक्चर थी उसको यूज़ करना है। चलिए चलते हैं, पिक्चर उठाते हैं जो हमने अभी बना के रखी थी। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया था। तो आपको ये पहला टिक मार्क ऑन रखना है, बाकी सारे को टिक मार्क्स को ऑफ कर देना है। और यहाँ से ज्योमेट्रिक अब एट्रीब्यूट पैनल में से टेक्सचर उठाएंगे और उसमें एक इमेज डालेंगे। फोल्डर पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे फोल्डर बना हुआ था उसको ओपन करेंगे। फॉर सपोज मैं अपने चैनल का बनाता हूँ, यहाँ पे ये उठाया यहाँ से, उसके बाद करेंगे इसको ओपन। जैसे ये ओपन किया तो ये यहाँ पे आ गया। उसके अलावा ये अब बटन देखे शो टेक्सचर कलर ओनली, तो अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा और ब्राइट हो जाएगा, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो ये अभी सिलेक्टेड है। उसके अलावा अभी इसकी जो पोजीशन हम रखेंगे यहाँ पे क्या है, देखें नॉर्मल, अगर हम इसको Z प्लस रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये Z माइनस पोजीशन है इसकी। और अब जब इसकी दूसरी साइड पे लगाएंगे तो उसकी Z प्लस रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि अगर ये हम पोजीशन सेट नहीं करेंगे तो आपका इमेज जो है वो उल्टा आ सकता है। चलिए दूसरी पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किया, इसको टिक मार्क हटा देंगे और दोबारा यहाँ से टेक्सचर में जाएंगे और यहाँ से एक इमेज उठाएंगे, जो भी इमेज आपको रखना हो। पासवर्ड में वही इमेज रख रहा हूँ। ओके किया और अभी इसकी जो पोजीशन है मैं क्या रखूँगा, जेड प्लस। मैं इसे पोजीशन जेड प्लस कर देता हूँ और अभी इसको यहाँ पे हम थोड़ा घुमा के देखते हैं कि ये पिक्चर आपकी इसमें आ गई है या नहीं। ये देखें आगे पीछे दोनों ये आ गई हैं। उसके अलावा मीन्स हमने ये भी पोजीशन में रख ली, पीछे वाले में भी रख लिया। अब साइड बाई साइड मीन्स इधर वाली साइड और इधर वाली साइड में रखना है, तो उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज इसकी कौन सी साइड पे रखना है, इस साइड पे, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम एक वही पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर इंसर्ट हो गई। तो पोजीशन मैंने आपको बताया था कि इसकी रखनी है, इसकी ये वाई एक्सिस है शायद। माइनस रखते हैं और इसको थोड़ा रोटेट करके देखते हैं कि इस साइड पे, ये देखिए ये उल्टा आ रहा है। तो आपको इसकी पोजीशन एक्स प्लस रखनी होगी तो ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद इसका ये कलर भी ऑन कर देना है। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे और इसकी ये जो साइड है वाई वाली, इसके ऊपर हम वही इमेज रखेंगे जो आपको यूज़ करना है, वो रख लिया। उसके अलावा उसकी हमने की दी एक्स माइनस और इसकी करेंगे एक्स प्लस, एक्स माइनस। अभी इसको घुमा के देखते हैं, चारों तरफों में हमने जो चीज़ें हैं रख दी हैं।
अगर आप चाहते हैं कि इसके इनसाइड्स पे भी रखें तो आप वाई पोजीशन में इसकी रख सकते हैं। तो चलिए मैं वाई पोजीशन में भी रखता हूँ, इसकी वाई पोजीशन का टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ इसको ऐसे कर दें और इमेज सेलेक्ट करें, ओके करें, ओपन करें, ब्राइटनेस ऑन करें और यहाँ से वाई माइनस पे उल्टा आ रहा है तो वाई प्लस कर दें। उसके अलावा बाकी रहता है ये एक, इस पर भी हम रखेंगे, ये इसके नीचे साइड वाला ये टिक मार्क हटा देंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पे ये मैच दोबारा रखेंगे और इसको हम करेंगे जेड वाई माइनस। तो अभी हमने चारों साइड से ये जो अपना टेक्स्ट था या मैच था जो भी चीज़ें हैं आपकी वो रख देंगे। उसके बाद आप इसको ये देखें, अभी इसकी रोटेशन पॉइंट जो है ना 0 करनी है, ये 0 हो गई, ये भी देखें ये 0 हो गई। अभी एनिमेशन डालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 75 फ्रेम्स हैं, मैं इसके फ्रेम्स बढ़ाऊंगा, ये 75 फ्रेम्स हैं, मैं इसके 130 रख लेता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ 50 पे क्लिक करता हूँ और 50 पे क्लिक करके रोटेशन टूल उठाता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ 228 पे मैंने इसको रोटेट किया इस फ्रेम में। और उसके बाद मैं जब यहाँ पे 100 पे क्लिक करूँगा तो 100 पे मैं इसको दोबारा रोटेट करने की कोशिश करूँगा और इसको मैं वापस 0 पे कर दूँगा। उसके अलावा जब मैं 130 पे आऊँगा तो फिर मैं दोबारा इसको रोटेट टूल उठाऊँगा और इसके 150 रोटेट कर दूँगा। तो अभी ये रोटेट हो गया है, अभी इसको हम चला के देखेंगे कि वाकई ये एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हो गई है या नहीं। तो ये इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है क्योंकि फ्रेम्स हमने करीब करीब रखे थे, तो फ्रेम जितने हम ज़्यादा दूर रखेंगे तो इसकी स्पीड कम चलेगी। मैं इसको फ्रेम रेट इसका जो है अभी थोड़ा कम कर लेता हूँ 15 फ्रेम्स और फिर चला के देखता हूँ तो इसकी स्पीड में देखें फ़र्क आ गया। और पासवर्ड अगर और भी स्लो करना है तो आप इसको ऐसे स्लो कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। अगर हम इसका 15 रखें या 20 रख दें तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा, 20 भी ज़्यादा है, मैं इसका 15 रख देता हूँ, 15 सही रहेगा। उसके अलावा आप देख रहे हैं अभी इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट वीडियो ओवरले AVI फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं इसका। तो पहले हम इसका वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे इसको फिर से कर रहा हूँ न्यू और उसके बाद सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखें अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद हम इसको एनिमेशन फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनिमेटेड गिफ फाइल जो बहुत आम यूज़ होता है, आप इसको किसी पेज में भी यूज़ कर सकते हैं और वीडियो के ऊपर भी लगा सकेंगे। तो चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पे भी सेव करता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ गिग और करता हूँ सेव। तो ये एनिमेशन में भी सेव हो रहा है, चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये वाकई सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखें जो हमने सेव किया था गिफ्ट में, इसको आप ओपन विथ करेंगे
और गूगल क्रोम में ओपन करेंगे, ये देखें आपकी एनिमेशन गिफ फॉर्मेट में बन चुकी है। और वीडियो में अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में भी ये जो है न्यू के नाम से हमने सेव किया था, इसको चला के देखते हैं, ये वीडियो फॉर्मेट में भी आपका लोगो तैयार हो गया है। तो आप इसको अपने वीडियोस के ऊपर लगा सकते हैं और अपने चैनल का लोगो एक ब्रांड बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में डिफ़िकल्ट होती है तो आप कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा।